सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि एंटीडोट्स होते क्या हैं। व्हाट आर द एंटीडोट्स? एंटीडोट्स आर द सब्सटेंस यूज्ड टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन ऑफ ड्रग और ड्रग ओवरडोज। जब किसी भी ड्रग की कोई ओवरडोज हो जाती है तो उसके काउंटर इफेक्ट को हम कम करने के लिए एंटीडोट देते हैं, उसको एंटीडोट बोलते हैं। इस वीडियो में हमारे पास 20 इंपॉर्टेंट ड्रग्स और 20 ही उनके एंटीडोट हैं। हम वन बाय वन एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले नंबर वन कैटेगरी पे हमारा हैप्रिन है। हैप्रिन आईवी एंटीकोगुलेंट की कैटेगरी में आता है और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है इट इनिबिट द फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। तो ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होने देता, उसको इनिबिट करता है। एंड जो इसका एंटीडोट है वो है प्रोटामिन सल्फेट। नंबर सेकंड पे वारफरिन है। वारफरिन ओरल एंटीकोगुलेंट की कैटेगरी में आता है और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इट इनिबिट द फोर कोगुलेशन फैक्टर फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। और जो इसका एंटीडोट है, एंटीडोट इसका है फाइटिनिडियोन और विटामिन के और एफएफपी। एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को बोलते हैं। कई बार ये भी हम दे देते हैं जब सीवियर टॉक्सिसिटी हो जाती है वारफरिन की। एंड देन थर्ड कैटेगरी पे हमारा आता है पीसीएम, जिसको बोलते हैं पैरासीटामोल। एंड ये नसेड्स की कैटेगरी में आता है। और गाइस, यहाँ पे आप लोग एक बात दिमाग में बिठा लेना, जितने भी नसेड्स होते हैं ऑल नसेड्स आर प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिट। ये आगे आपको काम आएगी जब आप डिटेल में स्टडी करोगे, मेडिसिन को पढ़ोगे डिटेल में। तो आपको यहाँ पे जितने भी नसेड्स हैं ऑल नसेड्स आर प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिटर, वो आगे जाके आपको ये वाली बात वहाँ पे आगे काम आएगी। और जो इसका एंटीडोट है, पीसीएम का एंटीडोट है, वो है एन एसिटाइल सिस्टीन। फोर्थ कैटेगरी पे आती है हमारी थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन। थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन वो मेडिसिन होती हैं जब बॉडी में क्लॉट बन चुका है, क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन को देते हैं। इसमें हमारे पास चार मेडिकेशन होती हैं, एल्टीप्लेज, टेनेक्टिप्लेज, ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। और जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन जितनी भी हैं वो एक्टिवेट करती है प्लाज्मिनोजन को। उसके बाद फिर प्लाज्मिनोजन जब एक्टिव एक्टिव हो जाता है तो वो जनरेट करता है प्लाज्मा को, और प्लाज्मा इज अ एंजाइम दैट डिजोल्व द क्लॉट। तो गाइज, इस तरीके से थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन काम करती है। और जो इसका एंटीडोट है वो है अमाइनो कैप्रोइक एसिड। भूलना नहीं है, कभी भी याद रखना है, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन जितनी भी हैं उनका सभी का एंटीडोट अमाइनो कैप्रोइक एसिड है। नंबर फाइव पे है एंटीप्लेटलेट। एंटीप्लेटलेट की दो फॉर्म है, ओरल और आईवी। किसी भी तरीके से हम ये दे सकते हैं। ओरल की कैटेगरी में आती है एस्पिरिन, क्लोपिड्रोजल, डाइप्राइडामो, टिक्लोपेडाइन, पर्सेंटाइन। और आईवी में आती है एब्सिक्सीमैब, इप्टी, फिबाटाइड और टीरोफिबन। और जो इन सभी का एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन जितनी भी है सबका एंटीडोट है सोडियम बाइकार्बोनेट, लैसिक्स और विटामिन के भी हम लोग दे देते हैं जब सीवियर टॉक्सिसिटी होती है तो। नंबर सिक्स पे आता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन की डोज ज़्यादा चली गई है पेशेंट को सीवियर हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शन हो गई है, तो इंसुलिन का एंटीडोट होता है हमारे पास ग्लूकागोन प्लस D25। नंबर 7 पे आता है नियोस्टिगमाइन। नियोस्टिगमाइन का जो एंटीडोट है वो है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन होती है जो हार्ट रेट को इंक्रीज करती है। और नियोस्टिगमाइन जो मेडिसिन है वो मिस्थेनिया ग्रेविस में देते हैं। और जो इसका साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, वो ब्रैडीकार्डिया करती है। और अगर बहुत ज़्यादा ब्रैडीकार्डिया हो गया, लेस देन 50 हार्ट रेट चला गया, लेस देन 60 हार्ट रेट चला गया, तो इसके काउंटर इफेक्ट को कम करने के लिए हम एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। ये टू इंक्रीज द हार्ट रेट, एट्रोपिन सल्फेट फिर हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है। और जो इसकी टॉक्सिसिटी, नियोस्टिगमाइन की टॉक्सिसिटी हो चुकी है, तो उसके इफेक्ट को ये कम कर देती है। नंबर एट की कैटेगरी पे आता है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट एक एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन है। यहाँ पे नंबर 7 पे भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और जब एट्रोपिन सल्फेट की डोज ज़्यादा चली गई है पेशेंट को, टॉक्सिसिटी हो गई है एट्रोपिन सल्फेट की, तो उस एट्रोपिन सल्फेट की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हमारे पास एंटीडोट होता है फाइजोस्टिगमाइन। फाइजोस्टिगमाइन कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर यूज टू ट्रीट ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में हम इसको देते हैं। और एंड एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी जब हो जाती है तब हम फाइजोस्टिगमाइन देते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि एंटीकोलिनर्जिक जितनी भी एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन है सबके सब का एंटीडोट है फाइजोस्टिगमाइन।
नंबर 9 पे आता है बेंजोडाइजापाइन ग्रुप एंड बारबुट्रेट्स ग्रुप, ऑल सीएनएस डिप्रेसेंट एंड ऑल सेडेटिव्स। जितनी भी बेंजोडाइजापाइन ग्रुप्स की मेडिकेशन है, सभी की सभी का जो एंटीडोट है वो है फ्लुमाजानिल। और नेलोक्सोन एंटीडोट है ओपियोइड टॉक्सिसिटी का, ओपियोइड्स ओवरडोज का। जब किसी पेशेंट ने ओपियोइड्स ज़्यादा ले लिए हैं, ओपियोइड्स ओवरडोज हो गया है पेशेंट, तो हम वहाँ पे नेलोक्सोन देते हैं। नंबर टेन पे आता है लेड पॉइजनिंग। पेशेंट को लेड पॉइजनिंग हो गई है, बेसिकली लेड होता है जो डार्क कलर होते हैं, जैसे डार्क लिपस्टिक हो गया, डार्क नेल पेंट हो गया, या फिर डार्क कलर। किसी भी चीज़ को डार्क करने के लिए हम लेड मिक्स करते हैं उसके अंदर। किसी पेशेंट के अंदर ज़्यादा लेड चला गया, उसकी पॉइजनिंग हो गई है, तो उसको कम करने के लिए हम यहाँ पे सक्सीमर देते हैं। नंबर इलेवन पे है हमारा आयरन टॉक्सिसिटी। पेशेंट को आयरन टॉक्सिसिटी हो गई है, तो हम उसको आयरन टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हमारे पास एंटीडोट है डिफ्रोक्सामाइन। डिफ्रोक्सामाइन यूज्ड इन आयरन ओवरडोज। आयरन ओवरडोज जब होती है पेशेंट के अंदर, तो डिफ्रोक्सामाइन यूज़ करते हैं। व्हेन इट स्टार्ट यूरिन टर्न रेड इन कलर एज इंडिकेट आयरन इज एक्सक्रीटेड। तो पेशेंट को बताना है कि आपका यूरिन रेड कलर का आएगा जैसे ही हम डिफ्रोक्सामाइन स्टार्ट करते हैं। तो वो पेशेंट को पहले ही आपने काउंसलिंग कर देनी है, डरना नहीं है। पेशेंट को पहले ही बता देना है कि आपका यूरिन है रेड कलर का आएगा, ड्रग का डिज़ायर इफेक्ट है, मीन्स कि आयरन बॉडी से बाहर आउट हो रहा है, फ्लश आउट हो रहा है। कॉपर की जब टॉक्सिसिटी होती है, तो उसका एंटीडोट होता है पेंसिलामाइन। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि इसको कैसे याद रखना है। मैंने इस तरीके से याद रखा हुआ है कि जैसे पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो वो सूरमा होता है जिससे हम लिखते हैं, है ना, उसका कलर होता है ब्लैक, यानी कि कॉपर। पेंसिल पेंसिलामाइन, फी पेंसिलामाइन, पेंसिल है तो पेंसिलामाइन, कॉपर काला है। तो मैंने कॉपर का एंटीडोट पेंसिलामाइन से, पेंसिल से कनेक्ट करके ये मैंने याद रखा हुआ है। तो मतलब कॉपर का जो एंटीडोट है वो है पेंसिलामाइन। नंबर 13, मशरूम पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, कोई भी पॉइजनिंग है, किसी भी टाइप की है, मशरूम पॉइजनिंग है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है, सबका एंटीडोट होता है एट्रोपिन सल्फेट, यानी कि एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन। जब किसी भी टाइप की कोई पॉइजनिंग होती है, तो बॉडी का जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, जैसे कि बॉडी के प्यूपिल है जो वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं, हार्ट रेट डाउन हो जाता है, बीपी गिर जाता है, ब्रोंकल कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, पेशेंट को सांस नहीं आता अच्छे से। तो ये सारे साइड इफेक्ट यहाँ पे आएंगे, और इन सभी के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हम एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। ब्रोंको को डायलेट करती है ये ड्रग्स, ब्रोंकल्स को डायलेट करती है, प्यूपिल को डायलेट करती है ये ड्रग्स, हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, बीपी को इंक्रीज करती है। तो मशरूम पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, कोई भी पॉइजनिंग है, तो सभी में या फिर उस पॉइजनिंग में हम एट्रोपिन सल्फेट यानी कि एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन एंटीडोट एज ए एंटीडोट यूज करते हैं। नंबर 15, आयोडीन। आयोडीन का एंटीडोट होता है सोडियम थियोसल्फेट। नंबर 16 पे विटामिन के टॉक्सिसिटी अगर ज़्यादा हो गई है, विटामिन के ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दी, विटामिन के की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो हम वारफरिन इसमें एज आ एंटीडोट यूज़ करते हैं। नंबर 17 पे आता है डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी। डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट होता है डाइजोक्सिन इम्यून फैब। मार्केट में ये डिजी बाइंड के नाम से आता है। नंबर 18 पे मैग्नीशियम सल्फेट है। इट इज़ सीएनएस डिप्रेसेंट एंड यूज टू प्री एक्लेम्पसिया टू प्रिवेंट सीजर। और जो इसका एंटीडोट है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। नंबर 19 पे आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जब कई बार ऑक्सीटोसिन की डोज ज़्यादा दे दी गई है, पेशेंट को ज़्यादा चली गई है, तब फिर पेशेंट में हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्राइसिस हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए, हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्राइसिस को कम करने के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट एज अ एंटीडोट यूज़ करते हैं, एंड शुड बी रेडली असेसिबल होना चाहिए। इट कॉज रिलैक्सेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। अगर ये क्वेश्चन आता है कई बार ऐसे पेपर में, मेरे को आया था एग्जाम में, कि ऑक्सीटोसिन की ओवरडोज हो गई है पेशेंट को, और मैग्नीशियम सल्फेट ड्रोर के अंदर रखा है, कबर्ड के अंदर रखा है, लॉकर के अंदर रखा है, कहाँ पे रखा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, आपने यहाँ पे ये टिक करना है कि इट शुड बी रेडली असेसिबल,
असेसिबल होना चाहिए, यानी कि पेशेंट का ड्रग ट्रॉली होती है, ड्रग ट्रॉली के ऊपर विजिबल प्लेस पे ये दिखा दिखना चाहिए हमें उस टाइम पे। नंबर 20 पे आता है हाइपरटेंशन क्राइसिस। जब बहुत ही ज़्यादा हाइपरटेंशन क्राइसिस हो गया तो एमरजेंसी में हम फेंटलामाइन यूज़ करते हैं, आईवी इंजेक्शन एज ए एंटीडोट।